Good afternoon, everyone. Here's wishing all the wonderful ladies who have got together today a very happy Women's Day. Not only to all of you, but all the women around the world, my best wishes go out on Women's Day today. इस साल वुमेंस डे का थीम है डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर ऑल, के लेडीज़ को भी उतना ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का चांस मिले जितना आदमियों को मिलता है। और दूसरा है, इस साल का फेवरेट कलर्स क्या है। तीन कलर इस साल चूज़ किए गए हैं वुमेंस डे के लिए, वो है पर्पल, ग्रीन एंड वाइट। और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। पर्पल स्टैंड्स फॉर जस्टिस, कि सबको इक्वल जस्टिस मिले। ग्रीन स्टैंड्स फॉर होप, कि सबके लिए आशा बनी रहे। एंड प्यूरिटी एंड डिग्निटी के लिए वाइट है। तो वर्ल्ड वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया में, लेडीज़ को कैसे आगे लाया जाए, कैसे उनके लिए इक्वालिटी किया जाए, उनके सामने जो इनजस्टिसेस होती है वो बंद किया जाए। कहते हैं दे आर द वीकर काइंड, के आदमियों से वीक है, पर सचमुच ऐसा है नहीं। अब ऐसा बहुत कम रहा है। लेडीज़ वुमेन हैव डन वेरी वेल। पिछले 50 साल के पहले अगर आप लेडीज़ की सिचुएशन देखते, घरों में, गांवों में, वो घट्टी पीस रही होती थी, घर का काम कर रही होती, पानी भर रही होती, खाना बना रही होती, ये सब काम कर रहे थे। पर अब काफ़ी समय बदल चुका है, लेडीज़ को पिछले 50 साल में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। मैं तो मेडिकल कॉलेज की बात करना चाहता हूँ, कि हमने जब मेडिकल कॉलेज चालू किया था तब हमारे क्लास में 20 या 25 लड़कियाँ होती थी और 80% बॉयज़ होते थे। पर अब 40% बॉयज़ होते हैं और 60% लेडीज़ होती है। हर फील्ड में, इवन अब कार्डियक सर्जरी में लेडीज़ आर मोर देन बॉयज़। लड़कियाँ आदमियों से ज़्यादा, लड़कों से ज़्यादा होती हैं, सर्जरी में लड़कियाँ होती हैं। इतना ही नहीं, सभी फील्ड्स में आप पायलट्स देख लो, मैं अनेक पायलट्स को जानता हूँ जो लेडीज़ हैं और वो एरोप्लेन चलाती हैं। आप पुलिस में देख लो, आज लवीना जी हैं, देख लो, उन्होंने MD मेडिसिन करके भी पुलिस की सर्विसेज ज्वाइन किए, IPS क्लियर करके। और इसके लिए मैं कोई भी पुरुष को कॉन्ग्रेचुलेशन्स नहीं देना चाहता हूँ, इसके लिए पूरा अभिवादन, पूरा कॉन्ग्रेचुलेशन्स, पूरी विशेष लेडीज़ को जाती है, क्योंकि इन्होंने खुद के प्रयास से, इनके खुद के संगठन से, खुद इकट्ठा होके आगे चल के आगे आए हैं। एक दूसरे के साथ जो इनजस्टिस थी, खुद ने वो लड़ाई की और लड़ के वो आज उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है। मैं चाहता हूँ कि आते सालों में ये इक्वालिटी और बढ़े, लेडीज़ और भी आगे बढ़े और सभी चीज़ों में हाथ मिला के लेडीज़ एंड जेंट्स, या आदमी और औरत, या बॉयज़ एंड गर्ल्स आगे चले। इससे दोनों सुख भी मिलेगा और इससे दुनिया की तरक्की भी अच्छी होगी। कुछ फील्ड्स में मैं चाहता हूँ कि लेडीज़ या गर्ल्स या वुमेन आदमियों से ज़्यादा समझती हैं। आप नर्सिंग ले लो, उनका जो सिंपथी है, पैशन है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे अनेक चीज़ें हैं, लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन से, सेवा मंडल्स हैं, इनमें इनकी जो काइंडनेस है वो कभी भी आदमी या मनुष्य, मीन्स जो लड़के होते हैं, वो मैच नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बात बिल्कुल सच है कि आते समय में ह्यूमैनिटी, नॉट ओनली इंडिया में पर दुनिया में, लेडीज़ विल बी टेकिंग द लीड फॉरवर्ड इन लीडिंग द कंट्रीज़, लीडिंग द वर्ल्ड, लीडिंग एवरीवन। इसके उपरांत मेरी तो एक ही सलाह है कि ये सब होते होते कहीं आप अपना खुद का जीवन ना खो बैठे। ये आगे बढ़ने के प्रयास में ये मत भूल जाना कि अभी भी घर जैसी एक चीज़ होती है, घर चलाना, घर बनाना। अ लेडीज़ मेक द हाउस, कभी भी घर आदमी से नहीं बनता है, लेडीज़ और महिला ही घर बनाती हैं। उसी से प्यार मोहब्बत घर में आता है, उससे काइंडनेस घर में आती है, घर का संगठन उनकी वजह से होता है, घर का रिस्पेक्ट उनकी वजह से होता है। तो ये कभी ना भूलें कि ये घर भी बनाना ज़रूरी है और घर आगे चलाना ज़रूरी है। बच्चों को पैदा करना, बच्चों को बड़ा करना, उनको प्यार देना, उनको स्कूल जाना, उनको शिक्षा देना, सब कुछ महिलाएं करती हैं। आदमी कभी भी ये रोल नहीं निभा सकेगा। आदमियों के सभी रोल लेडीज़ निभा लेंगे, पर कुछ रोल है लेडीज़ के जो आदमी कभी नहीं निभा पाएंगे। ना दुनिया को पता है, नेचर ने ऐसा ही किया है। कुछ रोल खाली फक्त सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ निभा सकेंगे।
पर साथ में मैं एक और सलाह भी देता हूँ, ये भागने के प्रयास में, ये जो पहुँचने का प्रयास है, इसमें तबीयत का भी ख्याल रखना। ऐसे अनेक रोग थे जो खाली आदमियों को होते थे, हार्ट अटैक और डायबिटीज़ और हाई बीपी, पहले खाली आदमियों को होते थे, पर अब सबको इक्वल होने लग गए। जितने आदमी बाईपास के लिए आते हैं, उतने लेडीज़ बाईपास के लिए आती है। समझ लो, यहाँ आगे बढ़ने के प्रयास में आप सब फंसेंगे हमारी तरह। तो ये एक ध्यान रखना, अपने तबीयत का ख्याल रखना, चेकअप करना, व्यायाम, एक्सरसाइज, घर काम, ये सब चालू रखो, जिससे कि आपका तबीयत स्वस्थ रहे। फिर से एक बार मैं ये वुमेंस डे पे आप सबको खूब खूब अभिवादन देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप सब आगे बढ़िए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, तबीयत का ख्याल रखिए, और हैव अ वंडरफुल डे टुडे। थैंक यू।